नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपको लेकर के आया हूँ गांव खबा। ये खबा का वह वीरान गांव है जहाँ कभी बहुत बड़ी पालीवाल ब्राह्मण समाज की एक संस्कृति रहती थी। कालांतर कई घटनाएं हुई, उसमें यहाँ से वो पलायन करके गई। ठीक मैं उस मंदिर पे खड़ा हूँ जहाँ अंदर मूर्ति नहीं है, लेकिन इस मंदिर की अगर बनावट देखें तो शायद आज हम किसी भी जो शिल्पकार है उसके पास चले जाए तो न तो ये हमें पत्थर मिलेगा, न इसकी जो डिज़ाइन है या उसमें जो पत्थरों का जोड़ है वो। ठीक मैंने आपको पूर्व में दिखाया है, यहाँ पर खबा कोट भी है, यहाँ की गलियाँ हैं, लेकिन यहाँ घरों के पत्थर अमूमन आपको काले रंग के मिलेंगे, यानी कि ब्लैक, जो बरसाती नालों के पास जो पत्थर होते हैं उनके। लेकिन मंदिर परिसर को एक विशेष पत्थर के द्वारा, यानी कि इस पत्थर को किसी खदान से लाया गया है, जो खदान यहाँ नज़दीक नहीं है, दूर से लाया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया है यह ग्राम खबा, यह बहुत बड़े हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक केंद्र था जब सिंध प्रांत, यानी कि आज के पाकिस्तान से जब ऊँटों के ऊपर कतारें चलती थी, कतार को ऊँट की जो एक लाइन होती है उसको कतार बोलते थे, तो वह कतार जब यहाँ से चलती थी तो उन्हें यहाँ सुरक्षा प्रदान की जाती थी, उनसे जो सरकारी यहाँ की जो राजशाही थी उनका प्रतिनिधित्व था, इस किले के अंदर बैठते थे। क्योंकि यहाँ हमने बात की साधु सिंह जी सोडा से, वह 2008 विक्रम संवत की बात कर रहे हैं, वह यहाँ आए थे जब वो 6 महीने के थे। यह ग्राम बिल्कुल एकदम, उन्होंने बताया कि घर ऐसे थे जैसे आज ही खाली करके गए, लेकिन यह स्थिति क्यों बनी यहाँ, यह इतना हम कह सकते हैं यह तहस नहस क्यों हुई, यहाँ की मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया। कभी भी जो जिस धर्म का है वह यहाँ की मूर्तियों को नहीं तोड़ेगा। यहाँ की मूर्ति कहाँ गई उसके बारे में कुछ भ्रंश है। लेकिन दोस्तों मेरे एक मित्र कच सिंह मोहता है, उनके साथ में यहाँ आया था, और ऊपर महिषासुर मर्दिनी चमुंडा माता का उनका कुल देवी है, उनका मंदिर है, उनके साथ में दर्शन किए। यह मूर्ति बहुत पुरानी है, क्योंकि इस मूर्ति की जो कला है वह अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं उत्कीर्ण है, बहुत ही उस समय के जो हमारे यहाँ के शिल्पकार थे उनके बारे में यह मूर्ति बयां कर रही है। दोस्तों मैं कुछ और दिखाऊंगा गांव की। यहाँ सबसे बड़ी एक चीज़ है, पक्षी अमूमन कम दिख रहे थे, लेकिन जो बड़े पक्षी जैसे मोर है और मोरनी जिनको हमारी भाषा बोलते हैं ढेल, यानी कि ढेलड़ी, तो वह मंदिर में वही रहती है। ये मंदिर खाली है और यहाँ पूरा निका कह सकते हैं, हमारी भाषा में बीट कहते हैं और हिंदी में कह सकते हैं मल, तो उससे यह भरा हुआ है। यहाँ मूर्ति नहीं, अगर यहाँ मूर्ति स्थापित की जाए तो शायद मुझे लगता है इस गांव में पुनः रौनक आ सकती है। दोस्तों मैं था वही शॉप जैसलमेर से सुरेश कुमार हर्ष, कच सिंह मेरे मित्र मोहता के साथ में, फिर और कुछ जानकारी आपको दूंगा। हो सकता है यह फिल्म जो मैं यूट्यूब पर डालूंगा बड़ी हो सकती है, लेकिन दोस्तों यह हमें उस इतिहास में ले जाएगी, हमें वो बातें याद करने के लिए मजबूर करेगी कि यहाँ जैसलमेर की सभ्यताएँ, यहाँ के लोग कितने समृद्ध थे। तो मेरा आपसे पुनः एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ पलीवाल ग्राम, जो खाली हो चुके थे, जिन्हें लोग छोड़कर चले गए थे, आज वह किस स्थिति में है। यहाँ कई बार सुनने में आ रहा है कई लोग जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं उनके द्वारा इन घरों में खनन किया जा रहा है, सरकार ने कई बार उनको पकड़ा भी है, लेकिन हम आज उसकी स्थिति दिखा रहे हैं, वहाँ के मंदिरों को दिखा रहे हैं, वहाँ के मंदिर कैसे हैं, वहाँ की जो यादाश्त में छतरियाँ बनाई गई थी वह कैसी है। तो इसी कड़ी में हम आज आए हैं खबा ग्राम फोर्ट के बिल्कुल सामने। जो गांव है वो आधा आबाद है, आधा गैर आबाद है। गैर आबाद है वह बहुत पुराना वह गांव है जो पलीवाल यहां से छोड़कर पलायन करके चले गए थे। जब यहां से पलीवाल पलायन करके गए थे उस समय महाराजा मूलराज सिंह का शासनकाल था, उनके बाद उनके पुत्र गज सिंह जी का शासनकाल हुआ। तो मैं आपको जो दिखा रहा हूं यह वह
बस्ती थी उन घरों की, या वो सभ्यता थी जिनके ये घर थे, आज ये वीरान हो चुके हैं। जैसा कि हमें पूर्व में बताया गया, यहाँ जब लोग आकर के रहे उस समय यह घर बहुत ही अच्छी स्थिति में थे, लेकिन अब नहीं। ठीक अब आप जो सामने देख रहे हैं यह है यहाँ का मंदिर। यह मंदिर ठाकुर जी के नाम से, द्वारकाधीश के नाम से, यानी कि हम कह सकते हैं श्री कृष्ण के नाम से मंदिर हुआ करता था। यह आज इस मंदिरों में पक्षी बैठते हैं। यह मंदिर क्योंकि यह सुनसान है, इसमें मूर्ति नहीं है, इसकी मूर्ति के बारे में अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। यहाँ इतनी मूर्तियाँ बिखरी हुई थी, इतनी सभ्यता थी, न जाने कहाँ गई। यह बहुत बड़े शोध का विषय है, लेकिन मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यह वह मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर, हम कह सकते हैं द्वारकाधीश का मंदिर, जहाँ आज मूर्ति नहीं है, लेकिन इस मंदिर का जो नमूना है, इसकी बनावट है, वह बड़ी बेजोड़ है, बहुत ही उत्कीर्ण उत्कृष्ट, और अपने आप में मैं कह सकता हूँ कि शायद शहर में अगर ऐसा कोई बनाना भी चाहे तो आज के समय में सक्षम नहीं है। लेकिन उस समय संसाधन जो आज की मशीनरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने किस तरह से बनाया, कहाँ से पत्थर लाए, कौन सी खदान, क्योंकि यहाँ जो भी मकान बने हुए हैं वह काले पत्थर के बने हुए हैं। तो मैं ठीक आपको मंदिर की तरफ ले जा रहा हूँ, मंदिर की तरफ चल के मैं आपको मंदिर के बाहर से, अंदर से और दिखाऊंगा। यह मंदिर हमारी इतिहास की गाथा गा रहा है दोस्तों। यह जैसलमेर पर्यटन नगरी का वह ग्राम है खाबा, जहाँ से पर्यटक गुजरते हैं। सम के लिए जाने वाले कुलदरा होकर के खाबा फोर्ट से होकर के जाते हैं, तो यह मंदिर ठीक जब खाबा फोर्ट पे हम आते हैं तो वहाँ से यह साफ नज़र आता है। तो हमने भी यह जो मंदिर है इसको हमारे कैमरे में कैद किया, हमने दिखाने का प्रयास किया है। हम इस मंदिर के अंदर चलेंगे, गर्भगृह के बारे में बताएंगे। यहाँ जो पत्थरों में जो बिखराव देख रहे हैं यहाँ की कला का, वो बड़ा दर्द पैदा करता है। न जाने क्यों आज भी लोग, संस्थाएं जो है उनके बारे में भी कई बातें होती रही है। जैसे खाबा फोर्ट को जो तैयार किया गया है, वहाँ जो पत्थर लगाए गए हैं उसके बारे में भी यहाँ के कुछ बाशिंदों ने अलग अलग अपनी बात कही है। लेकिन खाबा फोर्ट में यहाँ के पत्थर लगाना क्या उपयुक्त था या नहीं था, यह एक अलग विषय है। तो दोस्तों हम ठीक अब आपको मंदिर के अंदर ले जाएंगे, बाहर जो गणपति गणेश की मूर्ति लगी हुई है मुख्य द्वार के ऊपर। ठीक अब हम आपको यह मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। यह चारों तरफ दीवारें हैं, लेकिन बीच में चार कह सकते स्तंभों पे ये खड़ा है, जिस पे गुंबज भी है। उस गुंबज के ऊपर एक सिंह है, वह ऊपर जो साफ बाहर जाते हैं तो नज़र आता है। यहाँ पक्षियों ने मल कर दिया है, यानी बीटे कर दी है। और इस मंदिर के अंदर जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, छत की तरफ, तो वहाँ जो पट्टियाँ लगी हुई है वह पत्थर, पीले पत्थर की पट्टियाँ लगी हुई है। और यह मंदिर के ठीक मुख्य गर्भगृह के ऊपर का दृश्य है। वहाँ पर भी गणेश यानी कहते हैं गणपति जी का है मूर्ति बनी हुई है। और ठीक सिंह मुँह है, द्वार के अंदर जब प्रवेश करते हैं यहाँ बार द्वारपाल की मूर्तियाँ हैं बनी हुई, बहुत ही सुंदर नक्काशीदार किया हुआ है। लेकिन हम इसके बारे में जितना भी बताएं वो बहुत कम है। आज भी यह पत्थर देखो, इसकी जो जुड़ाव है, इसमें जो गारा लगा हुआ है, कहते हैं यहाँ खारा चूना होता था, यानी कि जो यहाँ का जो जिप्सम निकलता है उसमें पत्थर को जलाया जाता है, उसके बाद एक मटेरियल तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं खारा चूना। वह बहुत ही मजबूत होता है, एक तो उसका वजन नहीं होता, दूसरे में पत्थर को खींचता है, उससे इसको इसकी दीवारों को जोड़ा गया है। दोस्तों यहाँ से साफ नज़र आ रहा है खाबा फोर्ट, इस मंदिर के अंदर से ठीक बिल्कुल जहाँ इनके मंदिर के आगे दो झरोखे बने हुए हैं और यह मुख्य द्वार है। यहाँ से बैठकर आप सीधा नज़ारा कर सकते हैं खाबा फोर्ट का। यह अंदर हवा और आने के लिए यहाँ चार झरोखे बने हुए हैं, और उसके बाद छोटी छोटी झरोखेदार हम कह सकते हैं हवा और रोशनी आने के लिए
छोटी छोटी रोशनदान नुमा हमारे यहाँ कहते हैं बारियाँ हैं, यह बिल्कुल मंदिर की छत का जो अंदर से जो हम कह सकते हैं अंदर की जो छत है वहाँ का है, जिसमें बहुत ही सुंदर पत्थरों का जुड़ाव किया हुआ है। दोस्तों यह वह मंदिर है जिसके बारे में हम जितना बताएं उतना कम है। यह पर्यटकों के मुख्य मार्ग के ऊपर ठीक आया हुआ है। यह बहुत ही कह सकते हैं कि आज इसको पुनः अगर पुनर्जीवित किया जाए, यहाँ मूर्ति स्थापित की जाए, तो शायद यह बहुत ही रमणीक और सुंदर हो जाए, पर्यटकों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाए। तो दोस्तों मैं और आगे के लिए बताता हूँ, आइए चलते हैं।